नमस्कार दोस्तों, जनसंवाद न्यूज में आपका स्वागत है। आज चला है 24 जून। फटाफट बड़ी अपडेट निकल के आ रही, बिग ब्रेकिंग, पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। कल पटना में विपक्षी एकता पूरी तरह से सफल रहा, वहीं लालू यादव ने बड़ा ऐलान किया है, साथ ही बीजेपी को लगाई है फटकार। कहा अब मैं फिट हो चुका हूँ, जल्द ही बीजेपी को भी कर दूंगा फिट। जानेंगे इसके बारे में आखिर आगे क्या कुछ कहा। भाई दूसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है, नीतीश कुमार रहे थे विपक्षी एकता में संयोजक, बड़ा ऐलान किया है 24 के चुनाव को लेकर, बताएंगे इसके बारे में। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही, उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी को लगाई फटकार, कहा लोकतंत्र को खत्म करने के पीछे रहा सबसे बड़ा मोदी का हाथ, बताएंगे इसके बारे में। सब खबरों को जानने वाले हैं एक एक करके विस्तार से। मणिपुर से लेकर मध्य प्रदेश में जिस तरह से इस्तीफे शुरू हो चुके हैं, कांग्रेस के जीत के आसार दिखने लगे हैं, इसके बारे में बताएंगे। वहीं बड़ी खबर निकल के आ रही पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव को लेकर भी बताने वाले, सब खबरों को जानने वाले एक एक करके विस्तार से। लेकिन उससे पहले एक छोटा निवेदन, अगर आप हमारे चैनल अपने हैं चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन है जरूर दबाएगा। देश दुनिया के सभी फटाफट बड़ी अपडेट पाने के लिए चलते हैं पहली बड़ी खबर निकल के आ रही। दरअसल कल पटना में विपक्षी एकता का जमावड़ा था, ऐसे में लालू यादव भी मौजूद है और उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया है, साथ ही उनकी तबीयत भी ठीक हो चुकी है इसके भी संदेश दे चुके, और साथ ही बीजेपी को अल्टीमेटम दिया कि अब मैं फिट हो चुका हूं और नरेंद्र मोदी के साथ साथ भाजपाइयों को भी ठीक करने वाला हूं। विपक्षी बैठक खत्म होने के बाद संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसकी शुरुआत सीएम नीतीश कुमार ने की। वहीं इसके बाद विपक्ष के तमाम नेताओं ने अपनी बात रखी। इसी दौरान देखा जाए आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने भी अपनी बातें कही और पूरी तरह से अब वो फिट हो चुके, अब नरेंद्र मोदी को बढ़िया से फिट कर देंगे। कल की बैठक में सब ने अपने खुलकर विचार रखे और तय किया है कि आने वाले आगामी चुनाव में एकजुट होकर चुनाव कर लड़ने वाले हैं। वहीं देखा जाए अगली बैठक की भी तारीख का ऐलान किया गया है, अगली बैठक शिमला में होने वाली है और देखा जाए इसका पूरा सर्वेक्षण मल्लिकार्जुन खड़गे करने वाले। वहीं देखा जाए लालू यादव ने और बड़े ऐलान किए, उन्होंने कहा कि देश को लूटने में प्रधानमंत्री का बड़ा हाथ रहा है। आगे लालू यादव ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा, इस समय प्रधानमंत्री जी अमेरिका में चंदन की लकड़ी बांट रहे हैं, कभी नरेंद्र मोदी को अमेरिका में आने से मना कर दिया गया था, गोधरा हत्याकांड के बाद देखा जाए तो भारतवासियों को भी नहीं जाने दिया जा रहा था, लेकिन इसके बाद पता नहीं क्या हुआ सब पिघल गए और आज उन्हें पूरी तरह से चाट रहे हैं। उन्होंने कहा देश आज टूटने के कगार पर, लेकिन प्रधानमंत्री दुनिया भ्रमण कर रहे हैं। और साथ उन्होंने कहा कि जिस तरह से लगातार महंगाई बढ़ रही है इसके पीछे केवल और केवल बीजेपी की हिंदू मुस्लिम राजनीति रही है। दरअसल आपकी क्या राय है अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। चलते हैं अगली एक और अपडेट निकल के आ रही बड़ी खबर है, कल विपक्षी एकता के बीच संयोजक के रूप में नीतीश कुमार को नियुक्त किया गया था। लोकसभा चुनाव 24 के लिए बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मजबूत मोर्चेबंदी के लिए 15 से ज़्यादा विपक्षी दल शामिल हुए थे। पटना में महाजुटन चल रहा था और इसी में देखा जाए सीएम नीतीश कुमार के आवास पर लगभग 3 घंटों से ज़्यादा विपक्षी दलों की बैठक चली थी। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में 4 घंटों तक सारे विपक्षी नेता मौजूद रहे थे। बैठक में नीतीश को गठबंधन का संयोजक भी बनाया गया था। बैठक की शुरुआत में ही ममता बनर्जी ने नेताओं के अंदर महत्वाकांक्षा का त्याग करने की बात रखी और साथ ही इसी के जरिए उन्होंने टोन फिट कर दिया कि सभी को कुर्बानी देनी पड़ेगी, अपने राज्यों सहित तमाम क्षेत्रों में कुर्बानी देनी पड़ सकती है और इससे पहले विपक्षी दल कभी भी एकजुट नहीं हो सकते अगर कुर्बानी नहीं दे रहे हैं तो। और इसी बीच अगली एक और खबर निकल के आ रही बड़ी खबर है, ममता बनर्जी ने कांग्रेस को घेरा एक बार फिर, बड़ी खबर निकल आ रही, क्या कुछ बातें हैं बताएंगे आपको। खबरों के मुताबिक खबर निकल के आ रही कि विपक्षी दलों की बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कांग्रेस को घेरा है। ममता ने अपने राज्य में कांग्रेस की कार्यशैली पर आपत्ति जताई है, उन्होंने कहा कि एक तरफ सभी एक दल जुट होने के विचार पे हैं लेकिन दूसरी ओर देखा जाए हमारे राज्य में कांग्रेस लगातार धरना प्रदर्शन करती रहती है, उन्हें बीजेपी के खिलाफ लड़ना चाहिए ना कि हमारे खिलाफ। उन्होंने कहा कि अगर जब तक एकजुटता नहीं होगी तब तक बीजेपी को हम सत्ता से बाहर नहीं कर सकते, हमारी महत्वाकांक्षा है कि आने वाले समय में हम एकजुट होकर चुनाव लड़ें ना कि अपने बीच लड़ते रहें। अगली एक और खबर निकल के आ रही, विपक्षी एकता में अध्यादेश के साथ साथ धारा 370 का मुद्दा उठा था। विपक्षी दलों की बैठक में केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए दिल्ली में ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर अब अरविंद केजरीवाल लगातार विपक्षी दलों से मदद मांग रहे हैं, ऐसे में यह मुद्दा विपक्षी दल की बैठक में उठा और देखा जाए इसमें उद्धव ठाकरे ने पूरे तरह से देखा जाए अरविंद केजरीवाल की मदद करने के लिए आ गया है। लेकिन इस बीच उमर अब्दुल्ला ने साफ इनकार कर दिया, उन्होंने कहा कि जब केंद्र द्वारा धारा 370 लाई गई तब आपने उनका जमकर मदद किया और समर्थन किया था, ऐसे में आज केंद्र खिलाफ क्यों जा रहे हैं, हम आपकी मदद नहीं करने वाले। चलते हैं अगली एक और अपडेट निकल के आ रही, इसी बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा इतने लोगों को इकट्ठा करना छोटी बात नहीं होती, हमारा मकसद ताकत हासिल करना नहीं है बल्कि लोकतंत्र को बचाना है, यह वसूलों और विचारधारा सोच इरादों के साथ हम अपनी लड़ाई लड़ने वाले, क्योंकि लगातार जिस
तरह से देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है और संविधान कानून की धज्जियां उड़ रही हैं, ये साफ परिणाम है कि आने वाले समय में अगर फिर से पीएम मोदी बन जाते हैं प्रधानमंत्री, तो ऐसे में ना तो लोकतंत्र रहने वाला है और ना ही संविधान। चलते अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा, जो मुल्क में हो रहा है वो हमारे लोकतंत्र, संविधान और सेकुलरिज्म पर हमला किया जा रहा है। उसका प्रयोग हमारा जम्मू कश्मीर बन चुका है और यहाँ पर यही वजह है कि अब तक चुनाव भी नहीं कराए जा रहे। पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा ग्रसित अगर राज्य कोई है, मणिपुर से भी ज़्यादा ग्रसित कोई राज्य है, तो वो जम्मू कश्मीर बनता जा रहा है। महबूबा मुफ्ती ने ये करारा हमला और अपनी बात रखी है विपक्षी एकता के बीच। चलते हैं अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, बड़ी खबर है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जमकर बीजेपी और आरएसएस को दिखाया है आईना। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस हिंदुस्तान की नींव पर आक्रमण कर रही हैं और यह विचारधारा की लड़ाई है, हम साथ खड़े होकर लड़ना चाहेंगे। हमने निर्णय लिया है कि एक साथ काम करने वाले हैं और अपनी समान विचारधारा की रक्षा करेंगे और विपक्षी एकता की यही सबसे बड़ी प्रक्रिया होने वाली है और इसी के साथ हम आगे बढ़ना चाहेंगे कि अपनी लड़ाई को आखिरी तक लड़ सकें। चलते अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ी बात कही है कि आने वाले समय में 10 या 12 जुलाई के बीच शिमला में फिर से होने वाली है महागठबंधन की बैठक और खासकर सारे विपक्षी दल के नेता शामिल होने वाले, समान एजेंडा तैयार किया जाएगा, खासकर राज्यों पर भी बात होने वाली है, अलग अलग तरह और रणनीतियों के साथ चुनाव लड़ने पर भी 12 और 10 जून के बीच शिमला में बैठक होने वाली है पटना के बाद। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है मध्य प्रदेश से, बड़ी खबर। जहां पर विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, ऐसे में लगातार कांग्रेस सरकार की नजर आ रही है, वहीं 24 जून यानी आज फिर से धरना प्रदर्शन करने जा रही है कांग्रेस। भोपाल के सतपुड़ा भवन में आगजनी और उज्जैन महाकाल लोक में प्रतिमाओं में आंधी से गिरने की वजह से लगातार बीजेपी के खिलाफ सवाल उठ रहे थे और उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप भी कांग्रेस द्वारा लगातार लगाया जा रहा था। यही वजह है कि 24 जून आ जाए तो ऐसे में जिला स्तर से लेकर राज्य स्तर तक अब इनके खिलाफ धरना प्रदर्शन होने जा रहा है। प्रदेश में बड़े पैमाने पर बार बार बिजली कटौती की जा रही है, भ्रष्टाचार घोटाले एवं बढ़ती महंगाई, रसोई गैस डीजल पेट्रोल के दामों पर भारी वृद्धि, बेरोजगारी, महिला अबोध बालिकाओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ अब कांग्रेस धरना प्रदर्शन करने जा रही है। वही कांग्रेस लगातार बीजेपी के ऊपर हमला करती आई, क्योंकि देखा जाए मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार 220 महीने तक रही है, लेकिन अगर घोटालों की बात की जाए तो उनके महीनों के आंकड़ों से राज करने से ज्यादा है, यानी कि 225 घोटाले हो चुके हैं बीजेपी द्वारा, जबकि मध्य प्रदेश में सरकार बने केवल 220 महीना हुआ है। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, मणिपुर से बड़ी खबर है। जहां पर लगातार हिंसा जारी है, पूरी तरह से यह समझ में आ रहा है कि सर्वदलीय बैठक फेल होती नजर आ रही है। अमित शाह आज कर रहे हैं दिल्ली में सर्वदलीय बैठक, लेकिन पूरी तरह से फेल है। राहुल गांधी ने पहले ही बताया था कि सर्वदलीय बैठक फेल होने वाली है, आखिर अब तक सो रहे थे? जब आपके बस की नहीं थी तो पहले बता देते, सर्वदलीय बैठक पहले बुला ली जाती। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखा जाए मणिपुर में फिर भी हिंसा जारी है। मणिपुर के पूर्वी इम्फाल जिले में योंगोई में फिर से लगातार हिंसा बढ़ रही है और यहां तक कि बमबारी और आगजनी भी चालू हो चुकी है। अब तक 3 घर जल चुके हैं और देखा जाए अधिकारियों ने बताया कि पूरा माहौल पूर्वी इम्फाल का पकड़ से बाहर होता जा रहा है। तलाशी के दौरान सुरक्षा बलों को यहां तक कि ऑटोमेटिक गन भी मिल रहे हैं, यानी कि देखा जाए पूरी तरह से अब सुरक्षा बल भी फेल होती नजर आ रही है। लगातार सुरक्षा बलों पर भी हमले किए जा रहे हैं। आपको कल ही बताया था कि असम राइफल के 2 सैनिकों को भी गोली मार दी गई थी। मणिपुर के इम्फाल, पूर्वी इम्फाल की ये खबर निकल के आ रही है, जहां पर लगातार ऑटोमेटिक हथियारों से हमले किए जा रहे हैं। वैसे आपकी क्या है मणिपुर को लेकर, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर बताएगा। अगली एक और खबर निकल के आ रही है, बंगाल से बड़ी खबर है। जहां पर मणिपुर जैसे हालात बनते जा रहे हैं, पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव को लेकर शुरू हुई हिंसा थमने को नाम नहीं ले रही, लगातार हिंसा मौत के आंकड़ों में बदलती जा रही है। देखा जाए तो वहां पर 315 कंपनियों की तैनाती कर दी गई है फोर्स को लेकर पश्चिम बंगाल में। अगले पंचायत चुनाव होने जा रहे थे और पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो चुका था, पश्चिम बंगाल में हिंसा और बवाल मचा है। राज्य में तमाम इलाकों में देखा जाए हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं। जहां आपको 2 दिन पहले बताया था कि मौत का आंकड़ा 3 था, वो अब 13 में पहुंच चुका है। और इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री के राज्य चुनाव आयोग द्वारा मांग की गई थी कि 22 कंपनियों की तैनाती की जाए, तो ऐसे में बढ़ाकर 315 कंपनियों को मंजूरी दे दी है कि राज्य के माहौल को ठीक किया जाए। आने वाले समय में 8 जुलाई को चुनाव होना था, ऐसे में चुनाव कराया जा सके। अब ये देखने वाली बात होती कि पश्चिम बंगाल में माहौल कैसा रहता है, क्या
मणिपुर की तरह पश्चिम बंगाल के भी माहौल बिगड़ सकते हैं। नहीं, अगली एक और खबर निकल के आ रही राजस्थान से, बड़ी अपडेट है जहां पर लगातार सचिन पायलट और अशोक गहलोत को लेकर घमासान मचा हुआ है। राजस्थान में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इससे पहले कांग्रेस का सबसे बड़ा संकट है कि अपनी पार्टी के बीच चल रही रार को खत्म करना है। और ये वजह है कि राहुल गांधी विपक्षी एकता के बाद अब राजस्थान रवाना होने वाले हैं, साथ में मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल रहने वाले, साथ ही वो सचिन पायलट और अशोक गहलोत से मुलाकात करने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से दोनों के बीच काफ़ी रार चल रही थी और विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं। अगर रार खत्म नहीं हो रही तो इसका नुकसान कांग्रेस को ही उठाना पड़ेगा। यही वजह है कि अब विपक्षी एकता के बाद सीधा राजस्थान पहुंच रहे हैं राहुल गांधी, बताएंगे इसके बारे में। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही बड़ी खबर है, आपको बताते चलें, कल जहां पटना में विपक्षी एकता हो रही थी, इसी बीच कांग्रेसियों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने बड़ा ऐलान किया, कहा आने वाले समय मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में फिर से बनेगी कांग्रेस सरकार, करारी हुंकार भरी है। पटना में विपक्षी एकता की बैठक में शामिल होने से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ सदाकत आश्रम में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान राहुल ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भरा और उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में जिस तरह से मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में हमारी लहर दिखाई दे रही है, ऐसे में बीजेपी का सुपड़ा साफ माना जा रहा है। वैसे आप सबकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। चलते हैं अगली एक और अपडेट निकल के आ रही बड़ी खबर है, उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी को लगाई फटकार, कहा 24 में मोदी झोला टांग कर निकल देंगे। पटना में सामना में ये बात निकल के आ रही है। कल आपको बताया कि 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की महारैली का आयोजन किया गया था, जिसमें मोदी विरोधी खेमा अपना सख्ती प्रदर्शन जमकर किया। इस बैठक में पीएम मोदी को 24 में सत्ता से हटाने के लिए विपक्षी दलों की बैठक बुलाई गई थी और ऐसे सिंगल पॉइंट और एजेंडे पर भी बात हुई है, जिस तरह रणनीतियां बनाई गई जिससे 24 में पीएम को उनके पद से हटाया जा सके। और इसी बीच आपको बताते चले, सामना संप्रदायिक में लिखकर आ रहा है कि पटना वही भूमि है जहां से जेपी के आंदोलन की शुरुआत हुई थी और कांग्रेस के मजबूत किले को ध्वस्त कर दिया गया था। और संप्रदायिक आगे लिखता है कि एक बार फिर से पटना से शुरुआत हो रही है, अच्छा है। शिवसेना ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि अगर 24 में फिर से मोदी की सरकार बनती है तो ऐसे में लोकतंत्र नहीं बचने वाला है। उन्होंने कहा कि आने वाले आगामी चुनाव में यानी लोकसभा चुनाव में मोदी झोला लेकर निकल देंगे। अगली एक और खबर निकल के आ रही ओडिशा हादसे को लेकर, 20 दिन बाद रेलवे के 5 अधिकारियों का तबादला कर दिया गया। बड़ी अपडेट है ओडिशा हादसे को लेकर, ओडिशा के बालासोर में ट्रेन हादसा होता है और उसके 20 दिन बाद दक्षिण पूर्व रेलवे के 5 शीर्ष अधिकारियों का तबादला कर दिया जा रहा है। ट्रांसफर किए गए अधिकारियों की लिस्ट में वे अधिकारी भी शामिल रहे जिन पर संचालन सुरक्षा और सिंगलिंग की जिम्मेदारी रही थी। अधिकारियों के तबादले पर रेलवे ने कहा कि ये रेगुलर प्रोसेस है। बता दें कि 2 जून को ओडिशा के बालासोर में भीषण ट्रेन हादसा होता है जिसमें देखा जाए तो 300 ज़्यादा लोगों की मौतें हो जाती हैं, यहाँ तक कि 2500 से ज़्यादा लोग घायल बताए जाते हैं। लेकिन ये बात निकल के आ रही है कि आखिर इतने समय बाद क्यों ट्रांसफरिंग की जा रही है। वैसे आपकी क्या राय, अपनी राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएगा, क्या ये रेलवे का रेगुलर प्रोसेस है या कोई और बड़ी बात है। चलती अगली एक और खबर निकल के आ रही है, जहां कल पटना में विपक्षी एकता जमी थी, वहीं दूसरी तरफ देखा जाए अमित शाह ने करारा हमला बोला है और तंज कसा है इस बैठक को लेकर। बिहार की राजधानी पटना में कल जिस तरह से विपक्षी एकता जुटी थी, इसको लेकर अमित शाह ने करारा हमला बोला। अमित शाह ने कहा ये 300 लोग जुटकर 300 सीटें नहीं जीतने वाले हैं, जबकि हम आने वाले आगामी चुनाव में अकेले ही 300 सीटें जीत कर दिखाएंगे और फिर से प्रधानमंत्री के रूप में मोदी बनने वाले। जम्मू कश्मीर पहुंचे अमित शाह ने कहा आज पटना में एक फोटो सेशन चल रहा है जहां पर विपक्ष के तमाम नेता शामिल हैं, वो केवल फोटो खिंचाने आए हैं, वो चुनाव तो नहीं जीतने वाले हैं। आपको बताते चलें कि 24 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी से मुकाबला करने के लिए संयुक्त रणनीति बनाने के लिए 15 से अधिक विपक्षी दल मौजूद रहे थे और इसकी मेजबानी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे थे, जिसको लेकर खूब बयानबाजी की अमित शाह। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में ये साफ हो जाएगा आखिर कौन सत्ता में आ रहा है, कौन सत्ता से बाहर जा रहा है। अगली एक और खबर निकल के आ रही है, पहलवानों से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां पर फिर से पहलवानों ने बताया है योगेश्वर दत्त को घटिया और कहा कि केवल चापलूसी करना आता है। किस मुद्दे पर बताया ये भी आपको बताते चलें, ओलंपिक पदक विजेता पहलवान योगेश्वर दत्त ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ धरना देने वाले 6 पहलवानों को एशियाई गेम में ट्रायल में जो भी छूट दी गई उसको लेकर सवाल खड़ा किया है। अब जिस पर महिला पहलवान विनेश फोगाट भड़क गई, उन्होंने शुक्रवार शाम योगेश्वर दत्त का वीडियो सुना और फिर उन्होंने उन्हें घटिया और खास कर बताया ये चापलूसी करने वाले हैं, ये भी बृजभूषण के भक्त रहे हैं और उन्होंने ट्वीट कर लिखा है। साथ ही इन्होंने ये बयानबाजी की थी कि कहाँ किया गया था, कब किया गया था, जिस तरह से लगातार यवन शोषण का आरोप लगाया जा रहा था बृजभूषण पे, और वही आज योगेश दत्त सवाल उठा रहे हैं कि इन्हें
ट्रेनिंग में क्यों छूट दी जा रही है। दरअसल आपको बताते चले, आप पहलवान एशियाई गेम खेलने जा रहे हैं जिसकी ट्रेनिंग अगस्त से शुरू हो रही है। वैसे आपकी क्या राय, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। क्या मध्य प्रदेश में बनेगी कांग्रेस सरकार? अगर आप भी मानते हैं कांग्रेस सरकार बनना मील का पत्थर है तो वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे आपको अगली बड़ी अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।